आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। खबरों की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मायाभिमान संत मिलन को चालिए तज मायाभिमान और जो जो पग आगे बढ़े कोटे के अग्र समान। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, राजपूत सभा की मीटिंग तो हमारे अनेकों गांव में हर महीने के अंतिम रविवार को होती है, लेकिन आज की मीटिंग तो एक बहुत ही सराहनीय है। कारण उसका क्या है? एक तो ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी हमारे बीच पधारे हुए हैं और दूसरी बात यह है कि नवादा गांव के अजय पाल सिंह जो युवा हैं, उन्होंने तो आज की मीटिंग की व्यवस्था करने में बिल्कुल हद कर दी है, कमाल कर दिया, बड़े प्रशंसा का काम किया है। इधर देखो, जिस चोले को पहन सिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, दम निकले इस देश खातिर बस इतना अरमान है, एक बारिश राह में मरना सौ जन्मों के समान है, देख वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे ओए हमको मैं चाहते हैं मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हुए बहुत बढ़िया, तुम्हें और क्या दूं इस दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमको हमारी उम्र लग रहा है, उनके रिश्ते फरिश्ते हम देखे को करते मेरी हर घड़ी निगाहें, मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुमसे प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास बदल सकते हो, कुंड में पाप का विश्वास बदल सकते हो, अपनी बाहों पर कर लो यदि भरोसा तुम, जमीन तो क्या आसमान बदल सकते हो। क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज युवराज सिंह आलू जी, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर फूल मालाएं हैं। मैं बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ जो राजपूत सभा की मीटिंग हो रही है वो सिसोदिया भवन में हो रही है। आज तो बड़े सौभाग्य की बात यह है कि भामाशाह के वंशज श्री विनोद कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे बीच विराजमान है, हमारे फंक्शन को चार चांद लग गए हैं। 30-35 करोड़ होते हुए भी हम नहीं मनवा पाते क्योंकि हम समझित नहीं है। तोमर कहता है मैं बड़ा, त्रिपुरिया कहता है मैं बड़ा, जादौन कहता है मैं बड़ा, चौहान कहता है मैं बड़ा, कुशवाहा कहता है मैं बड़ा, हम आपस में ही बटे हुए। तो मेरा सभी से निवेदन यह है कि हम वो सबको संगठित होकर, हम सिर्फ क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होता है जो क्षेत्र में जो भी दिक्कतें परेशानियां होती हैं, छत्र तो होता है रक्षा करता है समाज की, तो हमको सबको एक रहना है। और हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है, जब भारत का नाम रखा गया भरत बच्चे के नाम पर रखा गया, जिसने सिंह का जबड़ा चीर दिया था उसके नाम पर भारत नाम रखा गया, गंगा यदि जो जीवन दायिनी है गंगा को ठाकुर भागीरथी जमीन पर लेके आए, गंगा भी हमारा पूर्वज लेके आए। और हमारे पास तो ये समझ लीजिए 90-95% हमारा ही इतिहास पढ़ा जाता है हिंदुस्तान में, आला उदल से लेके महाराणा प्रताप से लेके पृथ्वीराज चौहान भोज भरतरी किसी का भी आप देख लें हमारा ही इतिहास है। लेकिन सिर्फ हम इतिहास पर ही ना रह जाएं,
हमको आगे भी अपनी पीढ़ियों को जिस तरीके का हाल हमारा सरकारों ने कर दिया है, विशेष रूप से ब्राह्मणों का और राजपूतों का, सरकारों ने हमसे सबसे बड़ी कमी क्या हुई कि रियासतें छीन ली गई, हमारी जमींदारी जो होती थी उस पर कानून बना दिया गया, कोई भी कारोबारी बड़ा आदमी बन सकता है लेकिन राजपूत जो जमींदार है वो बड़े बन ही नहीं सकते, सीलिंग मिल जाती है। तो हमारा तो ऐतिहासिक गौरव करने वाला रह गया है, हमारी हालत बड़ी नाजुक है और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का हाल और बुरा हो जाएगा अगर अभी भी हम नहीं चेते, हम नहीं संगठित हुए तो, क्योंकि हम क्योंकि संगठित नहीं है, हमारी बात कोई भी समाज, हम इतने बड़े भी बनते हैं, हम आरक्षण नहीं मानते, आरक्षण मानने में हमको शर्माती है और हम अपनी वजह से 2000 साल हम गुलाम रहे, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उसमें बहुत बड़ी हमारी है, हमारे जो कर्म रहे, हम जो विलासता में चले गए, हमने आगे अपना ध्यान नहीं रखा, उस वजह से हमारा ये हाल आज है, हमारी पीढ़ियों का हाल और ज्यादा डाउन हो जाएगा, वो ज्यादा ना बिगड़े उसके लिए हमें चेतने की जरूरत है। भाई साहब ने बड़े ने बोला जो भी दिक्कत हजार कोई भी दिक्कत के लिए हम सक्षम हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपने दम पर अपने तरीके से सारी चीजों को खुद सही कराने वाले हैं। तोमर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके माध्यम से यहाँ पे इतने सारे लोगों से जुड़ा, आगे आपके हर सुख में हर दुख में हर खुशी में हर घर में ठाकुर युवराज दल के साथ खड़ा हुआ है।